मैं बुंदेलखंड के किसानों से संबंधित एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए 2022 का जो लक्ष्य रखा है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार ने भी प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में वहां के किसानों का कर्जा माफ किया और 80 लाख मीट्रिक टन जो अनाज खरीदने का, जो उन्होंने किसानों से सीधे खरीदने का जो निर्णय लिया है वो किसानों के हित में और उनकी आमदनी बढ़ाने के हित में है। मैं आपसे एक विशेष आग्रह जो करना चाहता हूं, बुंदेलखंड को मैंने पहले भी सदन में मांग उठाई, अगर एक इसको सिक्किम की तरीके से पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग के आधार पर अगर उसको विकसित कर दिया जाए, तो मेरा मानना है कि जैसे हरित क्रांति के बाद से जो यूरिया डीएपी का और श्वेत क्रांति के बाद जो अपनी देसी नस्ल की गाय का जो क्षरण हुआ, मेरा आपके माध्यम से, मेरा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं एक मिनट लूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मेरा आपसे आग्रह है आपके माध्यम से सरकार से कि अगर बुंदेलखंड के में जो सब्सिडी खाद पर दी जाती है अगर पूरी जैविक खाद पर दी जाए, जैविक खेती पर प्रमोशन उस पर दिया जाए, और जो लोग गाय पालते हैं, जो क्योंकि अन्ना प्रथा की समस्या भी है, गाय पालने वाले को 1000 रुपए प्रति माह और बैलगाड़ी जो रखते हैं जो हल से खेती करते हैं उनको 2000 रुपए प्रति माह अगर दिया जाए तो बुंदेलखंड के किसान की आमदनी दुगनी हो सकती है और वहां के किसानों का जीवन संवर सकता है, जो कि भारत सरकार की जो नियति है। बहुत बहुत धन्यवाद।